सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है वो 2021 में YouTube ऐप के अंदर जितने भी नए फीचर अपडेट हुए हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों 2021 से पहले इनमें से कोई भी फीचर जो है वो आप सभी को YouTube ऐप पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी के सभी फीचर जो है वो अभी रिसेंटली ही YouTube ऐप के अंदर अपडेट हुए हैं। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है वो यूट्यूब के नए फीचर के साथ साथ उनका यूज भी बताऊंगा कि आप उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप मुझसे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे फीचर है जो कि आपको पहले थे या उनके यूजेस जो है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चला। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिको, आप देख रहे हैं टेक रिको। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला अपडेट है और सबसे बड़ा अपडेट है, इस अपडेट के बारे में ऑलमोस्ट यूट्यूब पर सभी लोग जानते ही होंगे और वो है शॉर्ट वीडियो का अपडेट, जो कि अभी हाल ही में यूट्यूब ऐप पर अपडेट हुआ है। और यूट्यूब ऐप में ये फीचर जो है वो अब से पहले कभी भी नहीं आया था, तो ये एक नया फीचर है। यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड नंबर का फीचर है वो भी YouTube शॉर्ट से ही रिलेटेड है। तो अभी तक ऐसा होता था कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी शॉर्ट वीडियोस थी वो आपको रैंडमली कहीं भी दिख जाती थी, तो वो आपको आपके YouTube ऐप के होम पेज पर दिखती थी या आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते थे तो उनकी वीडियोज के नीचे आपको जो है वो शॉर्ट वीडियो सजेस्ट होती थी। लेकिन अब यूट्यूब ने जो है वो इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन तैयार कर दिया है और जैसे ही आप अपना यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ जो है वो शॉर्ट का आइकॉन देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप उस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, उस आइकॉन पर क्लिक करते ही YouTube के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट्स होंगे वो सभी के सभी शॉर्ट वीडियो आपको जो है वो एक ही क्लिक में वहां से जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों ये भी एक मेजर अपडेट है जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिला था। यहां पर जो थर्ड अपडेट है वो दोस्तों व्यूवर्स के लिए है, जो कि व्यूवर्स के एक्सपीरियंस को जो है वो यूट्यूब ऐप पर और भी ज्यादा बेहतर बना देगा। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम से आपने ऐसा देखा होगा कि जो भी व्यूवर होते हैं वो जिस हिसाब से यूट्यूब ऐप पर वीडियोज को देखते हैं या जिस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं उन्हें उनके हिसाब से ही वीडियोस जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब YouTube ने जो है वो इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया है जिसके बाद आप अगर अपने YouTube ऐप पर किसी भी तरह की वीडियोस को देखते हैं तो जिन जिन टॉपिक पर आपने सबसे ज्यादा वीडियो देखी है या जिन जिन टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जैसे ही आप अपना YouTube ऐप ओपन करेंगे आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जो YouTube शॉर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है जस्ट उसके साइड में आपको काफी सारे टॉपिक्स जो है वो लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी के सभी टॉपिक्स जो है वो हर एक यूट्यूब ऐप में अलग अलग होते हैं, उनके यूजर व्यूवर्स के हिसाब से या क्या क्या चीजें आपने देखी हैं वो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं और उनमें से किसी भी कीवर्ड पर क्लिक करके आप बिल्कुल उसी टाइप की वीडियोस जो है वो यूट्यूब ऐप पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप किसी यूट्यूबर की वीडियो पर देखने जाते थे तो उसकी वीडियो देखने के बाद आपको उसके वीडियो के नीचे उसी के काफी सारे वीडियो सजेस्ट होते थे। अब जब आप किसी भी क्रिएटर का वीडियो देखेंगे तो उसकी वीडियो के जस्ट नीचे वहां पर भी आपको जो है वो काफी सारे टॉपिक्स जो है वो दिखाई देंगे जो कि उसी क्रिएटर के चैनल से रिलेटेड होंगे या जिन टॉपिक्स पर उस क्रिएटर ने जो है वो वीडियो अपलोड कर रखी होगी, तो वहां पर आपको काफी सारे कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो सही लगता है उस टॉपिक पर क्लिक करके आप उस क्रिएटर की और बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों जो इस वीडियो का सबसे लास्ट फीचर है जो कि क्रिएटर्स के लिए मेनली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों YouTube का अपलोड बटन। ये अपलोड बटन भी आपको अभी अभी देखने को मिला होगा, काफी सारे क्रिएटर के चैनल पर भी आपको देखने को मिला होगा, लेकिन हर एक क्रिएटर के चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी अपने बीटा वर्जन पर है। तो यूट्यूब अपलोड बटन अभी कुछ ही क्रिएटर को मिला हुआ है, ये मोस्टली क्रिएटर के लिए से बेनिफिट क्रिएटर को होगा क्योंकि जो व्यूवर होते हैं वो अपने फेवरेट क्रिएटर को जो है वो कुछ मनी जो है वो एज अ अपलोड उनको जो है वो पे कर सकते हैं और क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थे सभी के सभी मेजर अपडेट्स जो कि 2021 में YouTube ऐप के अंदर हुए और इनमें से कोई भी अपडेट आपको पहले देखने को नहीं मिलेगा 2021 से। सो वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।